हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, और हमारे मन में क्या चल रहा है, वो भी हम आपको बताने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज लंच में क्या बनाया है आप लोगों ने, है ना? हमारी तो आज 11 है दोस्तों, तो व्रत है, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा एक बनाना लिया है, एक सेब फल लिया है, दैट्स इट। और मेरे साथ मेरे बच्चे भी कर लेते हैं व्रत, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें, क्योंकि उन लोगों को ना साबूदाना जो खिचड़ी है ना, इतनी पसंद है मेरे बच्चों को, और आज के दिन मैं जरूर बनाती हूँ, वो भी मैं शाम को खाऊंगी। तो बच्चे कह रहे थे कि नहीं मम्मा, हमें भी वही खाना, जबकि मैंने बोला भी कि नानी कुछ और बना रही है, तो तुम उनके साथ वो खा लीजिए। तो बोलेगी नहीं, हमें वो नहीं खाना है, आप जो बनाओगी ना हम वो खाना, क्योंकि मम्मी ने आज बिल्कुल सादा सब्जी और रोटी बनाई, और मम्मी का भी खुद का भी आज 11 है ना। लेकिन मम्मी क्या है, मम्मी ये सब साबूदाना खिचड़ी वगैरह ये सब नहीं खाती। एक उम्र के बाद उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, प्रॉब्लम थोड़ी सी होने लगती है, तो वो सिंपल ही बिल्कुल, या तो वो फ्रूट्स वगैरह खाएंगी, या ज्यादा सा कुछ होगा तो वो राजगीर लेती हैं, और राजगीर को दूध में डाल के और फिर उसको लेती हैं, ऐसे करती हैं। तो बस आज कुछ हमारे यहाँ खाने पीने का कुछ ज्यादा नहीं है, बस बनाऊंगी मैं शाम अभी दोपहर तक जाके, क्योंकि राधिका ट्यूशन जाएंगी तो उसके पहले वो सब खा के जाएंगी। तो चलिए अभी आ जाते हैं अब अपने मन की बात पर, दिल की बात पर, है ना? ये तो हो गई घर की बात दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा कुछ चीज वायरल हो रही है, लोगों को ये लग रहा है कि सपना के घर में जगह नहीं है, है ना? दिल में जगह नहीं है ना? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार, ये औरत है किस बुद्धि की यार, इसको सिर्फ पॉइंट चाहिए कहीं ना कहीं से बोलने के लिए, है ना? जबकि मैंने जब ये सब देखा, क्योंकि कल आप लोगों को मालूम है कि मैं कल बाहर थी, घर पर नहीं थी, तो मतलब मैं सचिन मनीषा का वीडियो नहीं देख पाई थी, लेकिन जब मैंने आज वीडियो ध्यान से देखा तो कहीं भी ये सारा जिक्र इस टाइप से है ही नहीं है कि सपना ने फोन करके मना कर दिया हो। या जब सपना के घर ऑलरेडी सरिता जी और भी दो तीन लोग यूट्यूबर पहुंचे हुए हैं, तो वो इनको क्यों मना करेंगे, है ना? कुछ ना कुछ। और फिर देखो, हम ये कह रहे हैं सचिन जाने, मनीषा जाने, सपना जाने, हु आर यू, तुम कौन जो दूसरों को ये बता रही हो कि घर में जगह नहीं, सपना के दिल में जगह होनी चाहिए मेहमान के लिए। तुम उचकती क्यों हो बीच में, मुझे ये समझ में नहीं आता, जबकि तुमने सचिन मनीष भाई साहब बोला है ना? तुम्हें ढंग से, मतलब तुम उनका वीडियो भी नहीं देखती होगी, क्योंकि तुम्हें कैरेक्टर ही नहीं पता है ना, कि क्या है क्या नहीं है। सचिन मनीषा नहीं बोला इसने, मनीष भाई साहब बोला है ना? थोड़ा सा ध्यान से आप लोग भी देखना। और हाँ, और इसे रिश्तों की समझ नहीं है। आज का शॉर्ट देखा आपने? शॉर्ट में क्या बोली, अपने पति को भाई साहब बोल रही है। मतलब जो अपने पति को ही भाई साहब बोली, इसे क्या रिश्तों की समझ होगी यार, इसको कुछ समझ नहीं है। बस ये औरत आती है, मोबाइल खोलती है और बक 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 करना शुरू हो जाती है। अभी भी सुधर जा, बार बार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ सुधर जा ना, लेकिन ये औरत है कि बस इसको कुछ ना कुछ। अभी देखना इस सब्जेक्ट पर भी लंबा चौड़ा बोलने वाली है, आएंगे इसके वीडियो, डेफिनेटली आएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि ये शांत बैठने वालों में से मुझे लगती ही नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी अपने जूते की नोक पर रखती, मैंने अब ये देख लिया, किसी को भी, है ना? इसके चाहे दिल में हो चाहे मन में हो, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना? ये चीज इसके ऊपर बहुत अच्छे से लागू होती है। अब आप बोलोगे कि मैडम आप कहाँ कहाँ से सारी चीजें लाती हो, तो ये तो नॉर्मल है, कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम निकालो, अपना भला देखो, भाड़ में जाए दूसरे लोग, उनसे अपन को क्या मतलब। तो सेम फंडा इस
लेडी का है, फूल का, छिलका, क्या नाम रखे यार लोगों ने, पता है मुझे बड़ी दिल से खुशी होती। बहुत अच्छा, इसको तो है ना ऐसे ही धोना चाहिए। इतने लोगों के मैंने आज वीडियो देखे, आज सुबह मुझे थोड़ा टाइम मिल गया क्योंकि किचन में तो काम करना नहीं था, बाद में अभी जाएंगे देर से, तो ये टाइम मुझे अच्छा मिल गया। नहीं तो क्या होता है कि फिर मेरा टाइम इतना बिजी हो जाता है दोस्तों कि शाम को क्लासेस रहती हैं 4 बजे से, मेरा इंस्टीट्यूट 4 से लेके 7:30-8 बज जाते हैं मेरे को इंस्टीट्यूट पर ही अपने, तो वो क्लासेस रख लेना, ऑर्डर के काम करना, कहाँ टाइम होता है इन वीडियोस देखने का। लेकिन आज मैंने बहुत से लोगों के वीडियो वॉच करे जो मतलब वीडियोस बना रहे हैं, पर बहुत अच्छे से धुलाई हो रही है और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे लोगों की तो ऐसे ही उतारना चाहिए। इसका एक वीडियो और देखा जिसमें ये इसने उस टाइम पे बनाया था जब ये मेरे साथ इसका पंगा हुआ था, इसने बहुत सी बातें बोली दोस्तों उसमें। कल मैंने जब वो ध्यान से सुना, उस टाइम तो मैंने इतना देखा नहीं था कि ये क्या नहीं बोल रही थी, कितना कुछ मतलब बोली है, मतलब ये किसी को कुछ नहीं समझती है ना, और जब असलियत सामने आई तब भी कुछ नहीं है ना, तब बड़ी वो हो गई कि अरे हम तो करेंगे करेंगे। आज फिर बोल रहा है ना, वीडियो तो तुम देखोगी, मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, कहाँ गया वो इंसाफ है ना, कहाँ गया, बोली थी ना कि दिलाएंगे, कहाँ गया, सिर्फ बड़े बड़े वादे करती हो है ना और कुछ नहीं करती हो तुम। जब लाइव में आई थी क्या बोल के गई थी, हाँ हाँ करूंगी, मैं बात करूंगी, अब आगे मैं बच्चों के लिए करूंगी, डाउन लेवल पे जाऊंगी, कहाँ है, किसी चीज पे तुम कायम कभी रहती ही नहीं हो, मैं आपको बता, किसी चीज पे नहीं। बस इसको कंटेंट चाहिए अपने वीडियोस के लिए, ये किसी ना किसी एक को पकड़ती है और वीडियोस बनाती है, बस इसका ये फंडा है और कुछ फंडा नहीं है दोस्तों। कल थोड़ा सा सचिन मनीषा का दिख गया तो उस पर ही लागू हो गई कि अरे चलो यार फटाफट एक कंटेंट मिल गया, जल्दी से वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, वीडियो वीडियो खेलो, ये करती हो तुम है ना, फटाफट लाइव भी, मतलब इस बंदी को मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि यार मैं, चलो ये बोलती है कि मैं तो दिन भर मेरा ऑफिस रहता है, फिर थके हारे आते हैं, और फिर देखो घर में छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं है ना, उनको भी देखना दिन भर के थके हारे। इस लेडी का स्टेमिना देखो यार, मुझे तो कभी कभी हैट्स ऑफ है ना, कभी कभी यही लगता है कि इसको इतना टाइम मिलता है कि दूसरों की बुराई भी करना है, यहाँ बैठ के वीडियो बना के, और दूसरा रात में लाइव भी डेली आना। मुझे तो लगता है कि इसका हस्बैंड भी इससे डर के रहता होगा, क्योंकि बार 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 FIR जो करती रहती है ना, इसको मतलब उसको लगता होगा इसके हस्बैंड को कि ऐसा ना हो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस में फंसा दे, क्योंकि पहले कर चुकी है, बहुत सी उड़ती उड़ती ऐसी खबरें हैं कि अपने हस्बैंड की भी FIR कर चुकी है पहले, तभी तो बेचारा वो, नहीं तो कहाँ इसको मारता पीटता था वो, और आज वो बेचारा भीगी बिल्ली बना घर में घुसा रहता। और आज के वीडियो को देख के, वो शॉर्ट वीडियो को देख के तो मुझे इतनी हंसी आई, कैमरा घुमा रही है ऊपर से नीचे तक और बोल रही है कि भाई साहब, पति को भाई साहब बोल रही है, थोड़ा तो दे क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई कदर नहीं होती रिश्तों की है ना, जो रिश्तों में जिया ही ना हो जो इंसान, उसे रिश्तों की क्या कदर होगी, दूसरों के रिश्तों की खिल्लियां उड़ाना, दूसरों का सब कुछ का मजाक उड़ाना, इतना सा पॉइंट भर इस औरत को मिले उसका ये तिल का ताड़ कर देती है, ये ऐसी औरत है ये। खैर दोस्तों, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं लिख के दे रही हूं ये औरत कभी, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, ये ऐसे ही रहते हैं, ये सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, दूसरों के लिए गलत गलत बोलेंगे, और थोड़ा सा भी मैटर मिलेगा इतना सा भी उसको इतना बड़ा करके दिखाएंगे। कहा ना मैंने, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ दिखावा करते हैं, बाकी होता धरता हमसे चवन्नी का कुछ भी नहीं है। बेवकूफ औरत, सही बोली ना मैं, है ये बेवकूफी है, इस टाइप स्मार्ट वाली बेवकूफ है ना, रद्दी वाली बेवकूफ नहीं, स्मार्ट तरीके से बेवकूफ है ये औरत।